अक्षय गुप्ता, आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज खबर चंदौली से। हेलो सर, हम लोग जैसा कि आप देख रहे हैं 10 लोग यहाँ पे हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम लोग चंदौली पॉलिटेक्निक चंदौली से आए हैं। यहाँ पर हम लोग 30 तारीख को आए थे ट्रेनिंग के लिए, आज 27 तारीख है, हम सबका समाप्त हो गया है। लेकिन खाने की जो प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे मना कर दिए हैं और बाहर से कोई व्यवस्था आ नहीं रही है, और किसी के पास यहाँ पे पैसा भी नहीं है। और जितने लोग हैं आप देख रहे हैं कि सभी लोग डरे हैं, और सभी लोग घर की कंडीशन इतनी अच्छी भी नहीं है कि यहाँ पे कोई घर वाले कुछ व्यवस्था पहुँचा सके, जैसा कि यहाँ सब कुछ मार्केट में बंद है। और यहाँ के जो हॉस्टल वाले हैं, ये जो मतलब जो मिस है कॉलेज का, यहाँ का संस्था का, वो भी प्राइवेट संस्था है, यहाँ के खाने के लिए उन लोग को बंद कर दिए, बोल रहे हैं पैसा मांग रहे हैं। यहाँ पे किसी के पास पैसा नहीं है, घर भी नहीं जा सकते हैं, सारी सेवाएं बंद है, हम लोग बहुत परेशान हैं। कॉलेज में भी संपर्क कर रहे हैं पर वहाँ से कोई सुविधा नहीं मिल रही है, कोई जिम्मेदारी ही नहीं ले रहा है। यहाँ से भी जहाँ TTC में हम लोग हैं यहाँ से भी संपर्क किए हैं, पर यहाँ से भी कोई सुविधा नहीं मिल रही है, हम लोग बहुत परेशान हैं। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम सबसे मतलब मजबूरी को सुना जाए, हमारी मजबूरियों को सुना जाए, हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग बहुत समझ, आपकी बहुत कृपा होगी। हम लोग अभी यहाँ हरियाणा TDC में है, हिसार में TDC है, टक्कर ट्रेनिंग सेंटर, यहीं पे 10 लोग फंसे हैं जिसकी हालत बहुत गंभीर है। प्लीज आप सब हमारी मजबूरी को समझें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारी मदद हो सके, आपकी बहुत बहुत कृपा होगी। धन्यवाद। आज दिन में हमारे संज्ञान में एक मामला है जिसमें सोशल मीडिया में कुछ बच्चों द्वारा एक मदद मांगी जा रही थी। मामला ये है कि यहाँ मंदिरा टेक्निकल कॉलेज है, जो ITI कॉलेज है, वहाँ से 10 बच्चे प्रशिक्षण हेतु उत्तरी क्षेत्र किसान कृषि मशीनरी और प्रशिक्षण संस्थान जो कि हिसार में है, वहाँ गए थे, एक तीन में गए थे, करीबन लॉकडाउन के बाद वहाँ फंस गए हैं। और इनको वहाँ खाना काफ़ी दिन से नहीं मिला था, उससे समस्या आ रही थी इनको। तो इस मामले में इनके द्वारा ट्वीट किया गया था, तो उस ट्वीट का संज्ञान लेते हुए हमने SP हिसार की मदद ली, गंगाराम पुनिया जी की मदद ली है, और उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए विदिन हाफ एन आवर उन बच्चों को खाना पहुंचवाया है और इंस्टीट्यूट को वहां पर अवेलेबिलिटी करा दी कि जब तक वो वहां पर मौजूद रहेंगे, ट्रेनिंग उनकी चलती रहेगी, तब तक उनके खाने में और रहने में कोई दिक्कत नहीं आई। लड़कों से हमने खुद बात करी, उनको मनोवैज्ञानिक तौर पर ढंडासा दिया है कि आपको कोई इशूज़ नहीं आने देंगे, और इस लॉकडाउन के टाइम में जो स्टे सेफ है उसको पालन करें। ये बच्चे चंदौली में कहाँ से रहने वाले हैं? बच्चे जो हैं ये अलग अलग जनपदों से हैं, भदोही, सुल्तानपुर, मऊ और चंदौली के बच्चे हैं जो यहाँ पर महिंद्रा टेक्निकल कॉलेज में अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। हम सब चंदौली पॉलिटेक्निक चंदौली के हैं, यहाँ हिसार में आए थे TTC में ट्रेनिंग के लिए, हम सबका ट्रेनिंग पूरा हो गया है। हम सब बहुत डरे हुए थे यहाँ पे, मतलब खाने की प्रॉब्लम थी और घर जाने का मतलब सोच रहे जाने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, लेकिन हमारे चंदौली के माननीय SP जी हम सबको मतलब मोटिवेट भी किया जो है, और यहाँ के हमारे समस्याओं का भी निवारण किया। हम लोग उनका बहुत मतलब आभारी हैं सभी लोग उनका, कि हमारे जो मन में भय था उसको भी दूर किया, हमारे खाने का प्रॉब्लम को भी था वो भी दूर किया। हमसे लगभग हम सबसे सभी अनुरोध करते हैं कि प्रशासन का सभी लोग मतलब कहना सहयोग करें, माने उसका, और इस समय जो है प्रशासन सभी का मदद करेगी जैसे हम सबका किए हैं। हमारे चंदौली के सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद उनका, कि हम सबके दुखों का निवारण किए। थैंक यू सर।